अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक ऑनलाइन स्टूडेंट है, उन्होंने हमसे कहा कि एक्सपेंड के बारे में मुझे बताइए कुछ। तो उनके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्सपेंड के बारे में सिर्फ सिंपल ये कि बहुत आसान सी एक बात यह है कि अगर कभी कोई हमारे पास टैक्स होता है तो हम सिंपल उसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो हमसे दो ऑप्शन हमसे कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं फिल पे रखूँ या स्ट्रोक पे रखूँ। अब स्ट्रोक इसलिए ऑफ है कि इसके अंदर कोई स्ट्रोक जो है ना ऑन नहीं है, तो हमारा जस्ट फिल है। जब हम फिल को जस्ट ओके करते हैं तो ये होगा क्या कि कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा और आपके टेक्स्ट आउटलाइन में हो जाएगा। इसके बाद इसका फ़ायदा ये होता है कि आप टेक्स्ट को बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर टूल से आप अपने जितना भी काम है वो कर सकते हैं। तो अब आपका ये कर्व में हो गया तो आप आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास आपने इस टेक्स्ट को कोई ना कोई फिल्टर डिफाइन किया हुआ इफेक्ट्स में आके, जैसे मैंने इसमें इफेक्ट के अंदर आके इसको वार्प करके आर्क किया हुआ। अब ये जब मैंने इसको आर्क कर दिया तो हुआ ये कि दिखा ये टैक्सी पोजीशन में रहा है और जो इसकी अपीरेंस आ रही है, जो नज़र आ रहा है वो कर्व में आ रहा है, लेकिन जब हम इसके ऊपर ड्रैग करते हैं तो ये बिल्कुल सीधा हमें स्ट्रेट नज़र आता है। तो अब क्या हुआ कि हमने काम कर लिया, काम ख़त्म होने के बाद हम चाहते हैं कि ये पोजीशन ख़त्म हो जाए, बस इसकी एडिट हमें चेंज नहीं करना। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ये आर्टिस्टिक का ही पूरा जो है ना इंस्टीट्यूट आ जाए। तो ये देखिए पूरा इंस्टीट्यूट हो गया और सेटिंग हो गई। अब मेरा काम ख़त्म हो गया, बस ना इसको मुझे बार बार नहीं छेड़ना। तो इसका सिंपल हल ये है कि हम एक्सपेंड में आए और इसको एक्सपेंड अपीरियंस कर दें। अब एक्सपेंड काम नहीं कर रहा है, एक्सपेंड इसलिए काम नहीं कर रहा है कि एक्सपेंड सीधी सीधी चीज़ पर काम करता है और अपीरियंस क्या है कि जो अब अपीरियंस नज़र आ रही है इसी अपीरियंस पर इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब इसने इसको कर्व कर दिया। सेम इसी तरीके से जब हमारे पास स्ट्रोक होता है तो हमें स्ट्रोक की भी अक्सर वैसे ज़रूरत पड़ती है कि ये एक्सपेंड हो जाए। तो हम सिंपल आते हैं एक्सपेंड, यहाँ आने के बाद जब मैंने एक्सपेंड किया तो मैं बोलता हूँ कि स्ट्रोक को जो है ना एक्सपेंड कर दे। तो जैसे ही मैं एक्सपेंड करूँगा तो अब ये इस स्ट्रोक से निकल के फिल्म में चला गया। अब आप कहेंगे यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो इस तरह से कि अगर आपके पास एक लोगो है और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई लोगो का जो है ना रेड कलर कर दो, तो जैसे ही मैंने रेड कलर किया तो इसने क्या किया कि इसको फिल कर दिया क्योंकि ये फिल था, और अंदर का जो हमारा लोगो का कलर था उसको उसने रेड कर दिया। लोगो का एक उसूल ये होता है कि लोगो अमूमन एक कलर में रखा जाता है जब डिज़ाइन किया जाता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ का देख लें वो सिंगल कलर में होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया की किसी चीज़ पे भी प्रिंटिंग कर लें उसे, क्योंकि एक कलर है ना। अगर डार्क नेवी कलर है, डार्क ब्लू कलर है, डार्क रेड कलर है, तो होगा क्या कि बस वो एक कलर प्रिंट होगा और उसका लोगो प्रिंट हो जाएगा कंपनी का। तो जो समझदार कंपनी होती है ना वो मल्टीपल कलर्स में अपने लोगो नहीं रखती। लेकिन अब मुझे परेशानी क्या हो रही है कि देखें इसके अंदर कलर फिल हो गया, तो मैं नहीं चाहता था कि इसके अंदर कलर फिल हो। तो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आपने ये लिया और इसको कर दिया एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये जो स्ट्रोक है आपका एक्सपेंड हो गया। जब मैंने एक्सपेंड कर दिया अब इसको सिंगल जस्ट क्लिक किया, जो कलर चेंज करना चाहा वो मैंने कर लिया। तो अब आपका ये लोगो जो है वो सिंगल कलर में आ गया। तो लोगो के लिए ख़ास तौर से इस एक्सपेंड को हमें यूज़ करना पड़ता है। इसी तरीके से ये भी अपीयरेंस है, इसके ऊपर भी आर्क का जो है ना फिल्टर लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई शेप है, ये देखिए ये टेक्स्ट था इसको हमने कर कर दिया, लेकिन कोई शेप है उसको भी हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंड हो जाए, तो उसको भी सिंपल हम एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे। आखिरी चीज़ जो है हमारे पास है ग्रेडियंट। अब अमूमन हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, तो ये मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया कि रेड कलर को येलो कलर से लेके आया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे सेंटर में जितने भी मेरी ग्रिड्स बनी हैं ये जो है ना मेरी एक्सपेंड हो जाएँ, ये अलग अलग हो जाएँ, मेरा काम जो है ना पूरा हो गया। तो हम क्या करेंगे एक्सपेंड एक्सपेंड और एक्सपेंड वगैरह में किया ओके, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे अब इंडिविजुअल हो गए। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई चीज़ कोई शेप देनी है, कुछ देना है बिल्फर्स, ठीक है, तो ये आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंड करने का ये हमें इसमें फ़ायदा होता है। और एक्सपेंड के हवाले से लास्ट एक आखिरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम नहीं आती लेकिन इसके अंदर है तो मैं जिक्र कर देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ग्रेडियंट या मैश बनाते हैं तो उस मैश के अंदर हमें अमून ये करता है कि हमने ये लिया, फिर हमने यहाँ आने के बाद इसको जो है ना ग्रेडियंट मैश डिफाइन किया, ग्रेडियंट मैश क्रिएट मैश, और फिर ये ओके किया, तो अब ये एक शेप बनी। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ग्रेडियंट अच्छा आपके पास बना हुआ है तो आपने ग्रेडियंट बना लिया, इसकी शेप को चेंज कर लिया, अब आपने एक बेसिक कलर सेट कर लिया और अब चाहते हैं कि आप ये जो है ये मैश में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको एक्सपेंड के ज़रिए ग्रेडियंट मैश में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो हमने ओके किया, तो अब क्या हुआ, ये मैश में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैश इसने अपने हिसाब से बना दिया। अब इसका फ़ायदा है कि आप यहाँ सेंटर से इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ 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 आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए ये रफ़ कर रहा हूँ, ये कि ये आपकी चीज़ चेंज हो गई, तो आपका एक लोगो का स्टाइल बन गया। और इसको हम लगा देते हैं इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में। लोगों के कलर को कर देते हैं वाइट। तो जनाब तो ये तो बस जस्ट कमांड मैंने बनाई थी, तो लगा तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसमें लगा दिया। तो बहरहाल आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई डिज़ाइन को स्टाइल अच्छा आपके ध्यान में आता है, तो पहले आप अपने ग्रेडियंट्स उसको फिल कर दें, फिर उसको मैश में कन्वर्ट करके छोटे मोटे अपने कलर्स जो है उसके हिसाब से चेंज कर दें। अब मसलन जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये इसको और ब्राइट वाइट कर दूँ येलो की बजाय, तो ये मेरा वाइट में चेंज हो जाएगा। वो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है। तो हम कलर्स को अपने चेंज कर सकते हैं इस अंदाज से। तो ये आपका लोगो के हिसाब से एक वो बन गया। अब इसको सेट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीरियंस में फ़र्क ये है कि सिर्फ एक्सपेंड काम करता है शेप्स पे, अपीरियंस पे काम करता है कि आपने किसी चीज़ को ट्विस्ट कर दिया, कोई मोल्ड कर दिया, कोई इफेक्ट्स के अंदर आके आपने बहुत सारी चीज़ें ना चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर ली, तो उसके बाद उसको रिलीज़ किस तरीके से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।